35 लाख दो बच्चों के, 10 एक लाख रुपए, एक लाख चौबीस लाख हो गए, ठीक है रेंट हो गया सही, 36 लाख तो वैसे हो गए बिल्कुल। अब 36 लाख की लायबिलिटी कोई डायरेक्टर या मलिक रियाज भी कोर्ट में डिग्री पास नहीं करवाएगा। सही सर, बिल्कुल सर, ये कंटेंजेंट लायबिलिटी काम की पोजीशन है, सारे सबूत जमा करा दिए, बैंक स्टेटमेंट जमा करवा दिए थे, इनकम सर्टिफिकेट जमा करवा दिए, ठीक है। अब उनके वकील साहब कह रहे बैंक का वेरीफाई करो, अरे भाई एक बार कोड वाले बैंक उसके वकील साहब नहीं होती, फिर भी जैसा वेरीफाई करवा ले जी सर तसल्ली के लिए। सोफिया सेंटर बस अभी जो नुकसान होगा बच्चों को ईगो ऑफ अली से मैडम होगा, क्योंकि 15-16 लाख इज अ डिसेंट अमाउंट। बिल्कुल सुना देगी तो वो फैसला नहीं सुनाया गया क्या आज? इस पर मेरिट चलेगा केस, केस पर मेरिट चलेगा। जय साहब खुद भी थोड़े डिसअपॉइंट हो गए थे यार, हम भी खुद एक्साइटेड थे ताकि डिग्री हो जाए। जी सर, जी सर, का स्कूल जाना शुरू करे, अब 20 को इंटरव्यू मैटर होगा इनका, 50 लोग करे जैसे 30,000 करे जो भी करे, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देंगे 20 तारीख को, इंशाल्लाह इंटरव्यू होगा, बाकी मेन जो मेंटेनेंस केस है उस पर चलेगा केस चलेगा। बाकी आज गाजर वार्ड में 10 दिन की वेंटिलेशन की अपनी एप्लीकेशन दी थी, ठीक सर, दादा दादी से मिले, माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे बिल्कुल सर आगे। अच्छा हमें मलिक और आपने एप्लीकेशन फाइल किया था, उन्होंने कहा था भाई हम मिलने नहीं देंगे, ठीक है सर, लेकिन कैसे हो सकते हैं कजन से साहब मिले, क्या ऑब्जेक्शन है? कोर्ट में सिक्योरिटी है, कोर्ट हमारी वेलफेयर की जगह है, बिल्कुल सर, वो जैसा आपने वो भी 20 साल रखा हुआ है, तो नेक्स्ट मीटिंग में पॉसिबिलिटी है तो मैडम से हमें मान से और कजन से मिलेंगे कोर्ट में, कोर्ट भी हमारी वेलफेयर की जगह है भाई, जिस मुल्क तरक्की करेगा जिस आम शहरी हॉस्पिटल एंड कोर्ट को अपना वेलफेयर जगह मानेगा। जी सर, अगर हमारी कौम तरक्की इस तरह से नहीं करती क्योंकि हम अपना राइट लेते नहीं है, वेलफेयर की जगह होती नहीं है और हॉस्पिटल करते हैं तभी बीमार भी होते हैं, ताकि मुल्क तरक्की नहीं करता। गौरों का राज क्या है? बिकॉज दे कंसीडर कोर्ट एंड हॉस्पिटल एज अ वेलफेयर प्लेस। बिल्कुल सर, उनका तरक्की का राज ये है, तो हमें भाई ये वेलफेयर की जगह है, इसको घबराना नहीं चाहिए, यहाँ पर फार नहीं होती, यहाँ पर जस्टिस होता है, दोनों साझे को सुना जाता है। मैरिज ड्यूरिंग द मैरिज कौन वाइफ हस्बैंड नोटिस करे पैसे दो, नहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस का क्रिमिनल केस करेंगे ड्यूरिंग द मैरिज, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ द डाइवोर्स। बड़ा मुश्किल फैसला था फेरोज खान का, 15 तारीख को मैडम अब घर जाती है, 21 तारीख को डाइवोर्स का नोटिस भेज, लीगल नोटिस भेज दी, उसमें पैसे क्लेम करती है डोमेस्टिक और क्रिमिनल वायलेंस का, 3 सितंबर को तलाक हुई है, 21 सितंबर में सोशल मीडिया हाइप चली गई, बिल्कुल सर जुल्म हो रहा है भाई, ये सारा कैलकुलेटेड प्लान था, ये बच्चों की ये वेलफेयर की ईगो के चक्कर में बच्चों की वेलफेयर डिस्टर्ब हो रही है, तभी हमने स्टेप लिया है, हर टाइमली घर पे विजिट होगा ताकि बच्चा आइसोलेशन फॉर्म में हो, दादा दादी से मिले, कजन के साथ मिले, बिल्कुल सर, परमानेंट कस्टडी भी हम जोर लगाएंगे, इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत।